अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट अगर आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट नहीं पता है उनके फीचर्स नहीं पता है आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप एक बारी uh, उसको जाके देख लें हमारी प्रीवियस वीडियो को देख लें सो दैट थिंग्स आर ऑलरेडी क्लैरिफाइड इन योर माइंड कि हम जब बात करें परफेक्ट कॉम्पिटिशन की तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है मनोपली क्या है मोनोपोलिस्टिक क्या है एंड ओलिगो पॉली क्या है सो स्टूडेंट्स आई एम गिविंग यू अ मूमेंट टू टेक द स्क्रीन शॉट एंड देन आई एल स्टार्ट विद माई एक्सप्लेनिंग तो स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि मार्केट का मीनिंग क्या है एंड देन कितने टाइप्स की हमारे पास मार्केट है कौन सी परफेक्ट कॉम्पिटिशन है कौन सी इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ये सब इन सब चीज़ों पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं लेकिन वेन इट कम्स टू द मार्केट एंड एक इक्िब्रियम बनाना ना वॉट इज इक्वलिब्रियम सी हमारी मार्केट में कंज्यूमर भी है हमारी मार्केट में प्रोड्यूसर भी है विच मीन्स हमारी मार्केट में डिमांड भी है और हमारी मार्केट में सप्लाई भी है इक्विलिब्रियम क्या होता है इक्विलिब्रियम होता है बैलेंस ठीक है कि डिमांड का सप्लाई के साथ बैलेंस मेंटेन करना एक अच्छी इकोनोमी में इसका बैलेंस जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वली चल रही हैं बैलेंस मेंटेन करके चल रही हैं विच मींस दोनों ही पार्टीज का वेलफेयर uh, हो रहा है उनकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम प्रॉफिट ओवरऑल ग्रोथ उसको हम बोलते हैं इक्वेलिब्रियम एंड वेन इट कम्स टू इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम किन टर्म्स में आएगा इक्विलिब्रियम इन टर्म्स में आएगा रेवेन्यू की टर्म्स में कॉस्ट की टर्म्स में प्राइजिंग की टर्म्स में और यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे आता है और किस किस टाइप में किस किस टाइप की मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे फॉर्म होता है एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करना इज इंपॉर्टेंट इन द इकोनॉमी दो मेंटेन करना बहुत ही रियलिटी में बहुत ही मुश्किल है नहीं होता है बट स्टिल इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स हमें इसमें इक्वलिब्री मेंटेन करना मार्केट में इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू सी टूडे कि कैसे हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इक्वलिब्रीम मेंटेन किया जाता है कैसे हमारी मोनोपली में इक्वल अटेन किया जाता है कैसे मोनोपलिस्टिक में करेंगे एंड कैसे ही हम हाँ, ओलीगोपोली में करेंगे वंस अगेन आई सजेस्ट यू अगर फीचर्स नहीं पता है सो so प्लीज़ वो देख लें बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट फीचर्स ऑफ दीज मार्केट्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन सी इफ वी स्टार्ट विद द परफेक्ट कॉम्पिटिशन ये फर्स्ट टाइप ऑफ आर मार्केट है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है एंड इट इज जस्ट ई इमेजनरी परफेक्ट मार्केट तो इसमें क्या है इसमें हमारी प्राइस प्राइज क्या है इसमें हमारी प्राइस, हमारी डिमांड क्या है ये हमारा डिमांड शो कर रहा है एक्सैक्सेस ये हमारा प्राइज शो कर रहा है एंड हमारी पी पी जो की प्राइज लाइन है ये परफेक्टली इलास्टिक है इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि जब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन की यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक प्रोड्यूसर इस पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी भी क्वांटिटी जो है वो सेल कर सकता है विच मीन्स हमारी प्राइजिंग चेंज नहीं हो रही है विच मीन्स हमारी पी पी क्या है इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक कि सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पे सिर्फ एक इसी पॉइंट पे जो प्रोड्यूसर है वो कितनी भी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो है वो सेल कर सकता है ऑन दी अदर हैंड परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब होता है जो इजिली चेंज हो जाए तो और इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर ये प्राइस में वेरिएशन आती है तो प्रोड्यूसर उस सिचुएट उस सिचुएशन में नहीं है जहां पे वो इस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पॉइंट पे कितनी भी अमाउंट को सेल कर सके सो दिस इज वॉट योर प्राइस कर्व इज अंडर योर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे जाएगा मार्केट इक्विलिब्रियम बनेगा कि हाँ उस प्राइस पे उस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं आपस में विच मीन्स डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई इज इक्वल टू द प्राइस डिमांड कर्व हमारी ये रहेगी विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन दी अदर हैंड सप्लाई कब हमारी अपवर्ड स्लोपिंग रहेगी हमारी एम डी डिमांड कब है हमारी एम एस डिमांड कब है एंड दिस रिमेन्स योर दिस रिमेन्ज योर प्राइज लाइन सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी मार्केट इक्वल में कंडीशंस क्या सैटिस्फाई होनी चाहिए हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए दैट योर मार्केट डिमांड शुड बी इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड एंड इट शुड भी इक्वल टू दी प्राइज और वी कैन प्रोवली से दिस की योर एम एस शुड इंटरसेक्ट योर एम डी एट एनी पॉइंट ऑन पी सो एट एनी पॉइंट ऑन योर प्राइज लेवल बेशक जो सी मर्जी क्वान्टिटी बेच रहे हैं ठीक है उस क्वान्टिटी की इक्वल सप्लाई भी होनी चाहिए उस क्वान्टिटी की इक्वल डिमांड भी होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देख रहे हैं मार्केट डिमांड कर्फ तो इसकी सपोज ये क्वान्टिटी है हम बोलते हैं फाइव यूनिट्स ये क्वांटिटी आ जाएगी सपोज 10 यूनिट्स यहाँ पे जाके क्वांटिटी आ सकती है सपोज 20 यूनिट्स सप्लाई सप्लाई एंड यहाँ पे सप्लाई और डिमांड आगे क्या आ गई इक्वल आ गई एंड सेकेंड कंडीशन क्या है कि ये हमारे प्राइस लाइन के भी इक्वल होनी चाहिए सो अंडर योर परफेक्ट कॉम्पिटिशन तीनों चीज़ें मस्ट भी इक्वल योर प्राइज योर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई सो ओवरऑल वट कैन वी कंक्लूड वी कैन कंक्लूड दैट इन योर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इक्वलिब्रियम एग्जिस्ट वेन योर मार्केट डिमांड इज कटिंग योर मार्केट सप्लाई ऑन एनी पॉइंट ऑन द प्राइज लाइन आई होप दिस मच इज गेयर टू यू नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड uh, टर्म्स को यूज़ करेंगे बट डोंट वरी ये टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कोई भी कंफ्यूजन हो यू कैन ऑलवेज रेफर टू द प्रीवियस वीडियोज नेक्स्ट हम बात करें मोनोपली की सो so, थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं मोनोपली क्या थी मोनोपली एक वैसी मार्केट थी जहां पे एक सिंगल सेलर है जिसका एक अपना ही एक होल्ड है मार्केट पे एक सिंगल सेलर है मोनोपोली मोनो मीन्स सिंगल पोली मीन्स मार्केट सो सिंगल सेलर है बट डाइज नॉट मीन दैट मोनोपिलिस्ट कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी एट एनी प्राइस सो यही कह रहे हैं हम कि हाँ बेशक सिंगल सेलर है लेकिन डिमांड कव डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा डिमांड कब एक नॉर्मल डिमांड कब ही रहेगी वाई क्योंकि बेशक एक ही बंदा है लेकिन अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट ऑफ क्वान्टिटी किसी भी प्राइस में नहीं बेच सकता है ही और शी ऑल्सो हैज टू मेंटेन द बैलेंस इन द इकोनॉमी सो so, अपना बस चलेगा ये नहीं कि हाँ दस रुपये पर सिर्फ एक यूनिट ऑफ क्वांटिटी बेच रहे हैं या या फिर अगर कोई पुअरर सेक्शन आ गई या कोई आ, रिचर सेक्शन आ गई तो और भी ज़्यादा हाइप करके प्राइस पे कम क्वांटिटी दे रहे हैं नहीं अपनी मर्जी किसी हद तक नहीं भी चलेगी वाई क्यों क्योंकि हमें मार्केट में इक्वलिब्रियम मेंटेन करना है तो बेशक वो मोनोपली हो परफेक्ट कंपटीशन हो या कोई भी अदर Uh, हमारा मार्केट टाइप हो वी हैव टू कंसीडर द इकोनोमी इक्वलिब्रियम सो इसीलिए लिए इसकी डिमांड कर्व जो है वो एक नॉर्मल डिमांड कर्व ही शो होती है ना कि इलास्टिक और इन इलास्टिक इट ड मीन वाई बिकॉज इट डजेंट मीन कि मोनोपोलिस्ट किसी भी अमाउंट को बेच देगा किसी भी प्राइस पे एंड यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आ जाते हैं यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं ऐसे यहाँ पे वी कैलकुलेट इक्वलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया स्टूडेंट्स कि जितना हम आ, अपनी सेलिंग से हम जितना पैसे अर्न कर रहे हैं रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स जितना हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं हमारी प्रोडक्शन की सेलिंग से उसको बोलते हैं रेवेन्यू और कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया ऑब्वियसली जितने पैसे प्रोडक्शन पे लग रहे हैं दे आर योर कॉस्ट सो यहाँ की कंडीशंस क्या हैं कैसे एक मोनोपलिस्ट मार्केट में मार्केट में इक्वलिब्रियम लेके आ सकता है वो कैसे लेके आ सकता है नंबर वन कंडीशन इज मार्केट कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्केट रेवेन्यू सो यहां पे अगर हम एक पॉइंट देखेंगे दिस इज योर एम आर कर्व दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट एंड दिस इज योर एवरेज कॉस्ट सो पहली कंडीशन सो so आपको इक्वलिब्रियम के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है आपको सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है यू आर नॉट गोइंग टू गेट ग्राफ्स इन यूर एग्जाम्स और समथिंग लाइक दैट बट आपको अपनी रेफरेंस के लिए अपनी रिमेंबरेंस के लिए ये दो या तीन जितनी भी कंडीशन आप आगे देखेंगे आपको वही अपने माइंड uh, में फ्रेश रखनी है सो वैन वी टॉक अबाउट कंडीशन दो कंडीशन क्या होनी चाहिए फर्स्ट कंडीशन इज कि अगर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो मार्केट कॉस्ट सो so, अगर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ठीक है जैसे कि ये हमारा जो ई e पॉइंट दिख रहा है हमें यहाँ पे दिस इज माई मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दिस इज माई मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये दोनों कहाँ पे इक्वल है ये पॉइंट ई e पे इक्वल है लेकिन मैंने अभी सीधा अभी ही इसको पॉइंट ऑफ इक्वलिब्रियम नहीं बोल दिया है कि हाँ ये और ये एक दूसरे के साथ इक्वल है तो बस यही पॉइंट ऑफ इक्वलिब्रियम है नहीं सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए सेकंड कंडीशन क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट इंटरसेक्ट योर मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो मार्जिनल कॉस्ट शुड इंटरसेक्ट योर मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो ये अबव है स्टूडेंट ये देख रहे हैं ना आप एसी तो एसी क्या बन गया एवरेज कॉस्ट एक सॉर्ट ऑफ लाइन बन गई है ठीक है एक सॉर्ट sort ऑफ़ of, हम बोल सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ टॉप बैरियर सा बन गया है और एवरेज कॉस्ट कुछ ऐसे जा रहे हैं यहाँ पे तो ये हमारी एवरेज कॉस्ट है ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है तो यहाँ से अगर वो रेवेन्यू को कट कर लेती तो वो फ्रॉम अबव होता बट ऑन दी अदर हैंड वो यहीं से कट कर रही है तो वो क्या है दैट इज़ योर मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्टिंग योर मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो so these two conditions should be satisfied when we are talking about equilibrium under your monopoly. मोनोपली इसको प्राइस के साथ कैसे रिलेट करते है? इसको हैं इसको ऐसे प्राइस के साथ रिलेट करते हैं कि हमारे मोनोपलिस्ट वैसे प्राइस सेट करेंगे जिनमें ये दो कंडीशंस जो हैं वो सैटिस्फाई हो रही हैं देन ओनली दे आर गोइंग टू बी इन द इक्वलिब्रियम अटेंडिंग मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मेंटेनिंग अटमोस्ट स्टेबलाइजेशन इन द मार्केट नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है स्टूडेंट वेरी सिंपल वेन्यूर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू योर एवरेज रेवेन्यू जितना जा रहा है उतन, जितना हम लगा रहे हैं उतना हमें आ रहा है नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जितना लगाया है उससे कहीं ज़्यादा आ रहा है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जहाँ पे रेवेन्यू रेवेन्यू क्या है आना सो एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन योर एवरेज कॉस्ट जितना प्रोडक्शन में बनाने में लगा है उससे कहीं ज़्यादा मुझे आ रहा है वापस उससे ज़्यादा अमाउंट आ रही है तो वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है वो मेरा ज़्यादा प्रॉफिट है दैट इज कॉल्ड योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑन दी अदर हैंड ऑन दी अदर हैंड सुपर नॉर्मल लॉसेस क्या है वो होते हैं जितना लगा रहे हैं उससे कम वापस आ रहा है ऑब्वियसली हमारी यूजुअल लाइफ में भी हमें ये चीज़ पता है कि हाँ लॉस हो गया मैंने ये चीज़ इतने की ली थी बट आगे मुझे बेशक एक दिन के बाद मुझे इतने में बेचनी पड़ी तो कहीं ना कहीं थोड़ा लॉस हो गया ठीक है तो वो क्या है लॉस जब मेरा रेवेन्यू जनरेट कम हो रहा है मेरी कॉस्ट लगाने से तो आर द कंडीशन जो एग्जिस्ट कर सकती हैं नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड योर नॉर्मल लॉसेस नेक्स्ट इज योर मोनोपोलिस्ट नेक्स्ट इज़ योर मोनोपोलिस्ट एंड इसका इक्विलिब्रियम क्या कहता है स्टूडेंट इट इज़ सेम एज योर मोनोपोलिस्टिक बट यहाँ पे बस इतना सा डिफरेंट है डिफरेंस है कि मोनोपोलिस्ट को इनमें से किसी भी किस्म का प्रॉफिट हो सकता है और वो ट्राई करता है कि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करता रहे एंड लॉस के चांसेस कम है बट ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि फंक्शनिंग कहाँ चल रही है फंक्शनिंग चल रही है हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स में

नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट ओलिगोपॉली सो स्टूडेंट्स वन थिंग हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ओलिगोपॉली क्या है ओलिगोपॉली की अपनी कोई खास डिमांड कर्व है नहीं है इसकी डिमांड कर्व को ट्रेस करना वॉज रियली डिफिकल्ट बट इसकी डिमांड कर्व को ट्रेस करना डिफिकल्ट था बट प्रोफेसर पॉल ने ये कॉन्सेप्ट शो किया दैट कॉन्सेप्ट वॉज द पॉइंट ऑफ किंक ठीक है और ये डिमांड कर्व क्या दिखा रही थी ये डिमांड कर्व दिखा रही थी सारी इलास्टिसिटी एक ही डिमांड कर्व पे ये नहीं ये नहीं कि हाँ ये परफेक्टली इलास्टिक हो गई वो कोई कोई परफेक्टली हो जाती है नियर टू सारी की सारी है, आपकी इलास्टिसिटी दिखा रही है पॉइंट किंक पॉइंट से नीचे योर डिमांड योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन एंड यहां पे कुछ फीचर्स ये हैं कि इसकी अगर डिमांड कर्व ही सर्टन नहीं है तो एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व कैसे आ सकती है सेम गोज विद दिस एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी इसमें सर्टन नहीं है सो दैट इज वाई एक अलग हमारी डिमांड कर्व दिखाई जाती है ओलिगो पॉली में अब यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे एज्यूम किया जाती हैं दो चीजें और वो दो चीजें एजम्पन की क्या है वो एजम्पन की ये है कि जो फॉर्म्स इसमें हैं जो फॉर्म्स ओलिगोपॉली में एग्जिस्ट करती हैं वो उनका मोटिव जब प्रॉफिट इंक्रीज करने का आता है हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया है दो तो टाइप ऑफ हमारी ओलिगोपॉली क्या है सो so, जब उनका मोटिव इंक्रीजिंग प्रॉफिट का आता है तो दो चीज़ें हो सकती हैं वो दो चीज़ें क्या है राइवल्स विल नॉट फॉलो प्राइज इंक्रीज मेकिंग डिमांड मोर इलास्टिक इलास्टिक का क्या मतलब है जो आराम से चेंज हो जाए सपोज हमारे पास फॉर्म ए है एंड फॉर्म बी है अगर फॉर्म बी प्राइस इंक्रीज़ कर देती है और क्वांटिटी जो है वो सेम रखती है तो ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म बी क्या करेगा फॉर्म बी ज़रूरी है कि फॉर्म बी जो है वो प्राइस इंक्रीज़ करेगा अपने भी नहीं ना वो, वो किस परस्पेक्टिव से सोचेगा अगर उसको अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है वो इस परस्पेक्टिव से सोचेगा कि फॉर्म ए को करने दो अपना प्राइस इंक्रीज़ मैं वो प्राइस फॉलो नहीं करूंगा विच मीन्स कि मैं सेम प्राइस पे उतनी ही क्वांटिटी दूंगा जबकि फॉर्म ए ज्यादा प्राइस पे उतनी क्वांटिटी दे रहे तो क्या होगा फॉर्म ए लेने फॉर्म ए के जो कंज्यूमर्स हैं वो उनकी अटेंशन कहाँ ड्रॉ हो जाएगी उनकी अटेंशन ड्रॉ हो जाएगी टूवर्ड्स फॉर्म बी सो ऑटोमेटिकली किसका प्रॉफिट होने वाला है फॉर्म बी का सो so, राइवल है फॉर्म ए एंड फॉर्म बी आपस में राइवल है आपस में कंपीट कर रहे हैं टू इंक्रीज दी प्रॉफिट फॉर्म ए ने सोचा कि चलो प्राइस बढ़ा के प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं फर्म बी ने क्या सोचा कि रिलेटेड भी सेम रखते हैं नहीं फॉलो करूंगा मैं इसका प्राइस इंक्रीज तो जब वो प्राइस इंक्रीज करेगा ऑटोमेटिकली इसके कंज्यूमर्स मेरे पास आना शिफ्ट हो जाएंगे सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है जब ये होगा कि फर्म ए ने प्राइस बढ़ा दिया और राइवल ने कहा कि मैंने नहीं बढ़ाना है आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट हिज कंज्यूमर टूवर्ड्स माई सेल्फ तो फंसे हुए फर्म ए को क्या करना पड़ेगा अगेन फर्म ए को अपने प्राइस को लोअर करना पड़ेगा दिस इज अ रीजन कि यहां पे इतना प्राइस चेंज होता है कि डिमांड कर्व ट्रेस ही नहीं कर पाते कभी इंक्रीज हो रहे प्रॉफिट के ऑर्डर में लेकिन दूसरा राइवल फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर से मुझे वापस आना पड़ रहा है अपने सेम प्राइस पे तो दैट इज अ रीजन यहां पर डिमांड कर्व को ट्रेस करना इज रियली डिफिकल्ट सो ये एजॉम्पन्स रहती हैं एंड अल्टीमेटली हमारी यहां पे इक्वलिब्रियम कैसे फ्रेम होता है यहां पे इक्वलिब्रियम फ्रेम होगा वेन योर मार्जिनल कॉस्ट कट्स योर मार्जिनल रेवेन्यू डेट इज़ योर पॉइंट ई अगेन सो स्टूडेंट्स ओवरऑल वी हैव कवर्ड प्राइजिंग अंडर डिफरेंट मार्केट्स एंड अ नोट फॉर यू गाइज दिस कि आपको सिर्फ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो याद रखने की जरूरत है एंड अदर थिंग इज हमारे ए आर को एवरेज रेवेन्यू को ही प्राइज लाइन जो है वो कंसिडर किया जाता है योर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइज लाइन इसको हम प्राइज लाइन को एवरेज रेवेन्यू जो है वो कंसीडर करके चलते हैं सो योर मार्जिनल कॉस्ट इन योर ऑलिगोपोली शुड कट योर ए आर एज वेल एंड एट द सेम टाइम आपका मार्जिनल रेवेन्यू को भी कट करना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट वन देखेंगे बेशक ये ए आर को तो विचो प्राइज लाइन उसको तो कट कर रहे हैं लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू को कट नहीं कर रहा है बट एम सी टू जो है वो ए आर को कट करें साथ साथ में आपके मार्जिनल रेवेन्यू को भी कट कर रहे हैं आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू वी हैव कवर्ड आर प्राइजिंग अंडर डिफरेंट मार्केट्स एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू